क्या आप अपने बिजनेस में इंस्टेंट लीड जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे टूल एक ऐसे टेक्निक के बारे में जिससे आप अपने बिजनेस में, चाहे आप वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या भी कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप इंस्टेंट लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो ये टूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बस 3 मिनट लूँगा और आपको इस पूरे टूल के बारे में बताता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक ऐसा टूल जो बहुत ही कम कॉस्ट का है, जिसमें बिल्कुल भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है और आप डे टू डे लाइफ में इसमें रीमार्केटिंग और मार्केटिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे, इस सॉफ्टवेयर का डेमो देखेंगे और समझेंगे कि इसको कैसे आपको हेल्प, ये आपके बिजनेस को कैसे हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि इधर ये आप मेरा ऐड फेसबुक पे देख रहे होंगे या आप इंस्टाग्राम पे देख रहे होंगे या आपको किसी टेलीकॉलर के थ्रू आपको ये पहुंचा होगा या आपको किसी कंसल्टेंट ने इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया होगा, तो उसको प्रॉपर सीरियस लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टूल आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद एक्सपोनेंशियली कर सकता है। कैसे करता है, थोड़ा सा डेमो देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बल्क व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर क्या है। तो बल्क व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको एक बड़े स्केल पे बहुत सारे नंबर्स के साथ में बिना नंबर सेव किए मैसेज शेयर करने में या मैसेज को स्प्रेड करने में, वीडियो, फोटोज और ग्राफिक्स को पहुंचाने में आपकी मदद करता है। इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको सिंपल सी चीज़ ज़रूरत होगी, जो आपके लिए आपके पास में इंक्वायरीज आती हैं, लेट सपोज आपके पास में ऑफलाइन इंक्वायरीज आती हैं या ऑनलाइन इंक्वायरीज आती हैं, तो आप उसको रीमार्केट करने के लिए जो आपने डेटा कलेक्ट किया हुआ है उस डेटा पे कैसे आप मार्केट कर सकते हो या उन लोगों तक अपना कैसे मैसेज पहुँचा सकते हो और विद इन वन क्लिक, जिससे आपको डे टू डे लाइफ में ज़्यादा मैसेजेस करके फॉलोअप लेने की ज़रूरत ना पड़े और आपको जो लीड जनरेट होनी है वो इंस्टेंट आपकी लीड जनरेट हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो ये कुछ हमारा ऐसा डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड में आपको डिटेल्स दिख जाएंगी। इसमें दिख जाएगा आपका कितना क्रेडिट पड़ा हुआ है, कितना पर्सनल क्रेडिट पड़ा हुआ है, कितना इंटरनेशनल क्रेडिट पड़ा हुआ है। तो वर्चुअल क्रेडिट बेसिकली क्या होता है कि अगर आप अपनी सिम से मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये अपनी सिम से मैसेज नहीं भेजना चाहते हैं, वर्चुअल सिम से मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल क्रेडिट या पर्सनल सिम से मैसेज करना चाहते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना प्रमोशन कर सकते हैं। अगर आप अपना इंटरनेशनल लेवल पर, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप अपने मैसेज करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेशनल क्रेडिट्स डलवाने पड़ेंगे। आप इसके सॉफ्टवेयर के पूरे डैशबोर्ड को समझते हैं, सिंपल सा डैशबोर्ड है, बहुत क्विक समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको वर्चुअल कैंपेन्स लगाने हैं, यहाँ से आपको पर्सनल कैंपेन्स लगाने हैं, ये क्रेडिट हिस्ट्री की आपके कितने मैसेजेस कितने आए हैं और कितने आपके क्रेडिट, जो क्रेडिट की क्या हिस्ट्री है वो आपको दिख जाएगी। ग्रुप्स एक बहुत अच्छा फीचर है, इस फीचर में आप अपने नंबर्स को सेव कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से लॉगिन कर लेता हूँ, इसको नंबर्स में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके नंबर सेव हो जाते हैं, आपकी लिस्ट बना के कि ये मेरी लिस्ट है और इस नाम से लिस्ट है, इनको लोगों को मैसेज करना। जैसे मेरे पास ज्वेलरी बिजनेस इन कानपुर, कॉम्पिटिशन कोचिंग इन कानपुर, रियल इस्टेट कोचिंग इन कानपुर, रियल इस्टेट कंपनी इन कानपुर, मैं डिफरेंट काइंड ऑफ मैंने सेव करके रखा हुआ। इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट, लेट सपोज आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रमोशन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से वहाँ पे नंबर स्टूडेंट के सेव करके रख सकते हैं जो आपसे इंक्वायरी करने आए हैं और आप उनको मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ टेम्पलेट्स हैं, आप रेगुलर डे टू डे कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट से इंक्वायरी हुई और आप उसको तुरंत कोई दूसरा वेलकम मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वेलकम मैसेज के नाम से सेव कर सकते हैं और जो भी वेलकम मैसेज आप सेव करेंगे वो आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, विद इन वन क्लिक चला जाएगा। यहाँ पे आपके क्रेडिट मैनेज है, ये क्रेडिट कितना कितना हुआ है, कितना गया है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले कैंपेन लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपकी, लेट सपोज आप अपने आप वर्चुअल कैंपेन करना चाहते हैं, आप सीधे कैंपेन पे जाएंगे, आपने कैंपेन पे गए, कैंपेन लगा के देखते हैं कैंपेन कैसे हेल्प करेगा। चलो पहले इसको बंद कर दूं। तो चलिए सॉफ्टवेयर में सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास में वर्चुअल कैंपेन्स है। अब इस वर्चुअल कैंपेन में कैसे एक पहला कैंपेन लगाया जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको कैंपेन में आना है, सिंपल सा कैंपेन में आके कैंपेन का टाइटल डालना है, जिसको बोलते हैं कैंपेन नेम। कैंपेन नेम में लेट सपोज आप कानपुर में मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने उसमें कानपुर का नाम डाल दिया, जो भी नाम डालना है। मैं इसमें एक नंबर डाल दे रहा हूँ, ये मेरा नंबर है और इस तरीके से मैंने इसमें नंबर डाल दिया। और नंबर डालने के बाद में मैं इसमें आप भी और भी नंबर्स जितने भी डालना चाहें इंटर करके सिंपली मैसेजेस नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में ये मैसेज बॉडी आता है, एक मैसेज बॉडी है जहाँ पे आप मैसेज कैसे करेंगे उसके बारे में लिखा, क्या क्या मैसेज करेंगे, जो भी आपको मिलना है कि हेलो स्टूडेंट्स या जिस तरीके की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं, हेलो हैप्पी
हैप्पी रक्षाबंधन या जिस तरीके से भी आप प्रमोट करना चाहते हैं वो आपने प्रॉपर मैसेज लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, तो स्टार लगा दीजिए जिस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे सारे सारे मैसेजेस लिखने हैं आपको पूरा, और मैसेज लिखने के बाद में कॉल करें या जो भी आपको चीज़ें डालनी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में सिंपल सा यहाँ पे आपको ऐड मीडिया फाइल्स करनी है। आप 4 फोटोज़ एक PDF और एक ऑडियो उस मैसेज में भेज सकते हैं। तो उसके लिए फ़ोटोज़ हमने इमेज कोई हमने अपलोड कर ली सिंपल सी, और किसी कोई भी PDF डालनी है तो PDF आप डाल सकते हैं। कोई वीडियो अपलोड करना है साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल सा नीचे सेंड नाउ पे बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो जाएगा। अब मैसेज डिलीवर हुआ या नहीं हुआ अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा मेरे डैशबोर्ड में आइए, यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे और देखो ये वाला जो मैसेज है हेलो स्टूडेंट कॉल करें और ये फोटोज के साथ में मेरे पास में डिलीवर हो चुका है। तो इस तरीके से आप वर्चुअल का कैंपेन लगा सकते हैं। उसी तरीके से ठीक आपको पर्सनल कैंपेन लगाना है। पर्सनल कैंपेन में सबसे पहले आपको अपने नंबर्स ऐड करने होते हैं, तो सिंपल सा नंबर ऐड करने के लिए कोई प्रोसीजर अलग से फॉलो नहीं करना पड़ता, सेम प्रोसीजर होता है। उसके लिए सिंपल सा करना क्या पड़ेगा, आपको ऐड चैनल में जाना है। ऐड चैनल पे जाके जो आपका ये QR कोड दिख रहा है, QR कोड जनरेट होगा और आप उसको अपने WhatsApp के साथ में स्कैन कर देना है। रेस्ट जिस तरीके से वर्चुअल कैंपेन लेके चलेंगे उसी तरीके से आपको पर्सनल कैंपेन लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे QR कोड थोड़ा सा इंटरनेट की इशू की वजह से थोड़ा लेट जनरेट हुआ, बट जैसे इसको WhatsApp को आप स्कैन करेंगे अपनी WhatsApp के साथ में ये कुछ देर में ही एक WhatsApp जनरेटर WhatsApp रेडी करके लिख के आ जाएगा और आपका QR स्कैन हो जाएगा।